सबनाज और मेरे साथ लवजी लाइव देख रहे हैं आप। जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसकी भी घर की लाज रखी है। जी हाँ, ये कहना है मुख्य चुनाव आयुक्त की। उन्होंने कहा है कि अगर ईवीएम बोल सकती तो शायद यही बोलती और यही कहती कि जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसकी भी घर की लाज रखी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को लेकर शिकायत करने वाले पार्टियों ने भी इसी उपकरण का उपयोग करके चुनाव जीते हैं। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये कहना है कि ईवीएम से चुनाव होने के बाद कई बार इस पर आवाज उठाने वालों की भी जीत हुई है और ये सच है। अगर हम बात करें तो देश के किसी भी हिस्से में कोई चुनाव हो और ईवीएम का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही ईवीएम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है और कई बार सही भी रहता है। विपक्ष का जहां ये कहना है कि भाजपा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल करके सत्ता में आ जाती है, तो दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और चुनाव आयोग का ये कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं इस मुद्दे पर मायावती ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर ईवीएम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आने वाले हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म होगा और बात ईवीएम की भी होगी। साथ ही उन्होंने मत पत्रों से चुनाव कराने की मांग की है और ये मांग पिछले बहुत बार हो चुकी है। बस प्रमुख ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मत पत्र से चुनाव कराए जाने के लिए पुरजोर मांग करते हुए कहा कि देश में ईवीएम के जरिए चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में किस्म की आशंकाएं व्याप्त है। उन्होंने कहा कि लोगों की आशंकाओं को खत्म करने के लिए बेहतर यही होगा कि अब यहां आगे छोटे बड़े सभी चुनाव पहले की तरह मत पत्र से ही कराए जाए। ये कई बार जनता की भी मांग होती है। वैसे मायावती ही नहीं बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो आए दिन ईवीएम को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। विडंबना ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब शिवसेना का भाजपा के साथ गठबंधन था, तो उस समय भी शिवसेना की तरफ से ऐसे बयान दिए गए थे कि भाजपा ईवीएम के दम पर सत्ता में आ सकती है। वैसे ईवीएम कितना सुरक्षित है, इसकी चर्चा इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन आलोचकों के अनुसार एक सच्चाई ये भी है कि चुनावों के दौरान ईवीएम में जब भी कोई गड़बड़ी आती है तो उस गड़बड़ी का लाभ हमेशा ही भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। इस पर राजनीतिक जानकारों ने सवाल उठाते हुए कहा कि मशीन में गड़बड़ी का लाभ कभी भी भाजपा विरोधी पार्टियों को क्यों नहीं मिलता है। वैसे मायावती ने एक बार फिर ईवीएम का स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ईवीएम के स्थान पर उन्होंने बैलेट पेपर की मांग की है, चुनाव कराने की मांग की है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक तरफ से साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में भी ईवीएम का ही इस्तेमाल होगा। ये बातें चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दी गई है, जाहिर तौर पर साफ कर दी गई है। अब इस पर किसी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।